हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 5 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे मैं आपसे रोज़ पूछा करता हूँ। पहला था जिसमें निम्न में से किस राज्य में अभी तक वन नेशन वन कार्ड योजना नहीं शुरू हुई है। तो अभी तक उत्तर प्रदेश में ये योजना नहीं शुरू हुई है, ठीक है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में ये योजना शुरू हो चुकी है। चेहरे ढकने वाले कपड़ों जैसे बुरके आदि पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना। तो पहला देश बना था श्रीलंका। क्लियर है। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस विदेशी बैंक को भारत में नियमित बैंकिंग करने की अनुमति दी। तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों बैंक ऑफ चाइना को, किसे, बैंक ऑफ चाइना को इंडिया में नियमित बैंकिंग सेवाएँ प्रोवाइड करने की अनुमति प्रदान कर दी है, ठीक है। लेकिन अभी भी इसको आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, आरबीआई के नियम कानून को मानना पड़ेगा, उसी के तहत से चलना होगा इंडिया में, ठीक है। अपनी सेवाएं प्रदान करना होगा और इसे रखा गया है आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग अधिनियम 1934 के दूसरी अनुसूची में। क्लियर है, ध्यान से सुनिए। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में इसे रखा गया है। क्लियर है, क्योंकि आरबीआई के भी कुछ नियम कानून होते हैं तो उसी के हिसाब से इसको फॉलो करना है, उसी की गाइडलाइन को, आरबीआई की गाइडलाइन को इसको फॉलो करते हुए इंडिया में नियमित बैंकिंग की सेवाएं प्रदान करनी होगी इसको, बैंक ऑफ चाइना को। क्लियर है बिल्कुल। अब आया है आरबीआई, तो हम लोग आरबीआई के बारे में जानेंगे कुछ और चीज़ें। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। कब? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी स्थापना, लेकिन हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर मुंबई में है और स्थापना हुई थी कोलकाता में। फिर उसके बाद 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, इसको नेशनलाइज कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, इसके पहले जब गवर्नर बने थे तो वो थे ओसबॉर्न स्मिथ, और इसके बाद पहले भारतीय गवर्नर जो बने वो बने सीडी देशमुख जी। क्लियर है। और अगर करंट टाइम पर गवर्नर की बात करें तो करंट टाइम पर गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। इतना आपको पता होना चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में इसराइल ने किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो अभी हाल ही में इसराइल ने एरो 3 नाम के एक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका एरो 3 नाम से, ये एरो 3 जो मिसाइल है दोस्तों, इसको अमेरिका की सहायता से अलास्का में सफल परीक्षण किया गया है। मैप में अगर आप देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका है, उसके बाद कनाडा है ऊपर में, फिर कनाडा के साइड में लेफ्ट साइड में थोड़ा सा पार्ट है अलास्का का, ठीक है। तो वो भी अमेरिका का ही पार्ट है, इसको भी ध्यान रखना है। तो वहीं अलास्का में ही इसका सफलतम परीक्षण किया गया है इसराइल द्वारा अमेरिका के सहयोग से, और ये पहली बार है ऐसा कि एरो 3 का मिसाइल, ये एरो स्पेस 3 जो मिसाइल है, ये एक वास्तविक मिसाइल को बाधित करने के लिए कामयाब रहा है। तो यानी कि ये जो वायुमंडल में जो बैलिस्टिक मिसाइलें होंगी इसकी तरफ आएंगी, ये वायुमंडल में ही उनको नष्ट कर दिया करेगा, ठीक है। इसी वजह से इसे बनाया गया है एरो 3। क्लियर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कि जैसे ही इस पर कोई इसराइल पर आक्रमण करेगा तो ये हवा में ही, वायुमंडल में ही उसे नष्ट कर देगा। तो इसीलिए ये मिसाइल बनाया गया है एरो 3, इसराइल का ये मिसाइल है। इसराइल ने सफलतम परीक्षण इसका कर लिया है। अब आया है इसराइल, तो मैप में देख लीजिए, ये रहा इसराइल। इसराइल की राजधानी यरूशलम, यहाँ की मुद्रा न्यू सिकेल, और यहाँ की संसद का नाम होता है द नेसेट, और यहाँ के पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू। क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है। तो विश्व स्तनपान सप्ताह दोस्तों मनाया जाता है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। कब से कब तक?
1 अगस्त से 7 अगस्त तक ये मनाया जाता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। और ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है माताओं में स्तनपान और पर्याप्त और उचित पूरक आहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है। और इस बार की इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इस बार की इसकी थीम रखी गई है दोस्तों, एम्पावर पेरेंट्स इनेबल ब्रेस्ट फीडिंग। क्या है? एम्पावर पेरेंट्स इनेबल ब्रेस्ट फीडिंग, इसकी इस बार की थीम रखी गई है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले सुपर अर्थ का पता लगाया? तो अभी हाल ही में नासा ने दोस्तों, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसने पहले सुपर अर्थ का पता लगाया है। ये पहला सुपर अर्थ जो होगा दोस्तों, ये अर्थ से यानी कि हमारी पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा विशालकाय है, पृथ्वी की तुलना में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ये सुपर अर्थ है और ये एक बौने तारे का परिक्रमा करता है, ठीक है। इसका नाम रखा गया है GJ357D। क्या नाम रखा गया है? GJ357D नाम रखा गया है इस सुपर अर्थ का। ये पहला सुपर अर्थ है जो कि नासा द्वारा अभी हाल ही में खोजा गया है, ठीक है। नासा की एक सैटेलाइट है, ट्रांजिटिंग एक्सप्लोरनेट सैटेलाइट, उसी के द्वारा इसे खोजा गया है, ठीक है। तो इस सुपर अर्थ पर भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पर भी वायुमंडल है और यहाँ पर भी पानी को स्टोर करने की क्षमता है इस प्लैनेट पर भी, ठीक है। नासा आया है, नासा के बारे में हम लोग जानते हैं। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ओके दोस्तों, आज जुलाई मंथ की मंथली करंट अफेयर की वीडियो आ रही है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। दोपहर से शाम तक हो सकता है वो वीडियो अपलोड हो जाए, पब्लिश हो जाए, तो आप लोग जुलाई मंथ की पूरे करंट अफेयर को उसमें रिवाइज कर सकते हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वजह से उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने समर्थ नामक पहल शुरू की? तो अभी हाल ही में समर्थ नामक पहल शुरू की है दोस्तों फ्लिपकार्ट ने। किसने? फ्लिपकार्ट ने। ये क्यों शुरू किया गया है, इससे क्या होगा, इस पहल से अंतर्गत इसमें होगा ये दोस्तों, जो नए बुनकर होंगे या बुनकर जो हस्तशिल्प बनाते हैं, हस्तशिल्प निर्माता होते हैं, उनके द्वारा जो बनाए गए प्रोडक्ट होंगे उनको सेल करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये लॉन्च किया गया है समर्थ नामक पहल, ठीक है, फ्लिपकार्ट के द्वारा। ओके, अब फ्लिपकार्ट आया है तो फ्लिपकार्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई दोस्तों 2007 में, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने मिलकर इसकी स्थापना की। इसके करंट टाइम पर CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। और फ्लिपकार्ट की दोस्तों 70% हिस्सेदारी को वॉलमार्ट ने खरीद लिया था पिछले साल, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना करेगा? तो अभी हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने घोषणा की है कि वो राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना करेगा, ठीक है। ये राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड जो होगा दोस्तों, ये व्यापारियों के लिए होगा, एक कल्याणकारी बोर्ड होगा, उनकी देख रेख के लिए होगा, व्यापारियों की सुविधा के लिए होगा, ठीक है। इसके साथ ही इसमें व्यापारियों की बीमा, पेंशन और स्वास्थ्य सेवाएँ जैसे भी चीज़ें शामिल की जाएंगी, बोर्ड द्वारा की जाएंगी, ठीक है। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा ये स्थापना किया जाएगा इसका। अब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय आया है तो इसके मंत्री कौन हैं? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं दोस्तों पीयूष गोयल जी, वही जो रेल मंत्री हैं, ठीक है। रेल मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे छोटे बंदर का जीवाश्म खोजा? तो अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने दोस्तों पेरू के अमेजन के जंगलों में दुनिया के सबसे छोटे बंदर का जीवाश्म खोजा है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बंदर का जीवाश्म जो है ये 15 मिलियन वर्ष पुराना है। कितना? 15 मिलियन ईयर पुराने वर्ष के ये जीवाश्म बताए जा रहे हैं, जो कि अमेजन के जंगल में खोजे गए हैं पेरू में, ठीक है। तो इससे होगा ये, इससे ये पता लग पाएगा कि बंदर की जो प्रजाति है वो पहले कैसे थी और अब कैसे है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें डिफरेंस पता लग पाएगा, ठीक है। तो अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने पेरू के अमेजन के जंगलों में दुनिया के सबसे छोटे बंदर का जीवाश्म खोज लिया है। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे प्राइड ऑफ द नेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया?
तो अभी हाल ही में प्राइड ऑफ द नेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों डॉक्टर विनायक एस हिम्मत को। किसे? डॉक्टर विनायक एस हिम्मत को। इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही हैं डॉक्टर विनायक एस हिम्मत। ये गुलबर्गा के सबसे कम उम्र के डॉक्टर हैं और ये इंसुलिन परामर्श और उपचार प्रदान करने वाले पहले साउथ इंडियन डॉक्टर भी हैं। ठीक है, बात करें अगर प्राइड ऑफ द नेशन अवार्ड की, तो ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है दोस्तों जिन्होंने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया हो जिससे पूरा भारत गौरवान्वित हुआ हो, तो उसको दिया जाता है प्राइड ऑफ द नेशन का अवार्ड। तो इनको दिया गया है, डॉक्टर विनायक एस हिम्मत को दिया गया है इस बार प्राइड ऑफ द नेशन का अवार्ड। क्लियर है बिल्कुल। तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। कल संडे था, मैक्सिमम संस्थाएं बंद रहती हैं, इस वजह से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई, इसके साथ ही पंजाब नेशनल बैंक के बारे में जो भी पता हो आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान में SBI के चेयरमैन कौन है। दोनों ही क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड है, दोनों ही बैंक के महत्वपूर्ण हैं, इन दोनों के बारे में आपको सारी जानकारियाँ होनी चाहिए। और दोस्तों आज जुलाई मंथ की मंथली करंट अफेयर की वीडियो आ रही है, तो इसको आप लोग देखना मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें लगभग 150 क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो दोपहर से शाम तक वो वीडियो आ जाएगी, आप लोग जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं उन लोगों के नाम की जिन लोगों ने कल की वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं मोबेरा खातून, दिलीप सेठी, सोनू शाह, सुजीत कुमार, प्रीति राजपूत, राजेंद्र कुमार, अनुज कुमार, आकाश राठौर, संगीता रावत, अमृत राज, पूजा चौधरी, योगेश कुमार, मनीषा राजपूत, मधु स्मिता, कल्पना परिहार। तो इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है। और दोस्तों आप लोग RRB NTPC की ईबुक को परचेज़ कर सकते हो, बहुत क्वेश्चंस डायरेक्टली देखने को मिल रहे हैं SSC MTS के एग्ज़ाम में यहाँ से इस ईबुक से, क्योंकि इसमें पिछले 9 महीने का करंट अफेयर है, पुस्तकें एवं लेखक हैं, लोकसभा चुनाव से संबंधित प्रश्न हैं, नए कैबिनेट मंत्री हैं, महत्वपूर्ण सूचकांक, प्रधानमंत्री योजनाएं, GST, नीति आयोग, ब्रांड एम्बेसडर, और इसके साथ ही पिछली रेलवे परीक्षाओं में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स इसमें दिए गए हैं कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज। तो इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको एक ई बुक में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।